राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने श्रीनगर गढ़वाल में पेंशन पुकार यात्रा के मद्देनजर विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों में कार्यरत कार्मिकों व संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह रैली गोला बाजार से होते हुए रामलीला मैदान तक आयोजित की गई, जहाँ रामलीला मैदान में विशाल जनसभा आयोजित हुई। इस दौरान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है, उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार को भी राज्य में पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। वहीं मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा ने कहा कि जिस तरह से पहाड़ी राज्य हिमाचल में कुछ समय पूर्व पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है, उसी को देखते हुए राज्य में भी पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत सी समानताएं हैं और दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां एक समान हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार कार्मिकों के हितों में पुरानी पेंशन को बहाल करती है, तो सरकार को भी प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल करना होगा। पौड़ी से मुकेश बचेत की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, आपके चैनल के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज श्रीनगर में ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया है और उत्तराखंड के टीम के तत्वाधान में जो पुरानी पेंशन बहाली की आवाज आज श्रीनगर की गलियों से गूंजी है, ये जरूर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी तक पहुँचेगी। और मुझे विश्वास है कि धामी जी को पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्मिकों को हित को देखते हुए बुढ़ापे के सहारे के लिए पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। इसके लिए पूरे देश में बड़ी आवाज़ बुलंद की जा रही है, बड़े आंदोलन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी बहुत समानताएं हैं, दोनों न सिर्फ पहाड़ी राज्य हैं बल्कि हमारी जो आर्थिकी है वो सरकारी सेवा पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, स्थानीय आर्थिकी के अलावा। तो निश्चित रूप से जैसे देश के अन्य राज्यों में हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है, हमारे यहाँ भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी ऐसा हमें उम्मीद है, और नहीं होगी तो हम बदल देंगे इनको। सरकार जनता के वोट से बनती है जिसमें हमारा वोट भी शामिल है, लेकिन अगर सरकार चुने जाने के बाद में जनता की बात सुनने के बजाय बाजार की बात सुनने लग जाए, पूंजीपतियों की बात सुनने लग जाए, तो ये गलत है।